यस मैम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। कि हमारे मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है जो हमारे संविधान में आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव तक दिए गए हैं अध्याय तीन में उनका हमारे लिए क्या महत्व है तो सबसे पहले क्या है बेटा की हमारी जो है एंड ऑफ सोशल इविल यानी कि जितनी भी हमारी सोशल एविल है हमारे समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनका ये अंत करते हैं कौन कौन सी हमारी जैसे अनटचेबिलिटी है या फिर किसी भी प्रकार की जैसे चाइल्ड एजुकेशन को लेके है या फिर चाइल्ड लेबर को लेके है तो ये हमारी समाज की एविल है जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करते हैं कि अस्पृश्यता का जो आर्टिकल सेवनटीन है उसमें हमारी अस्पृश्यता के विषय में ये डिस्कस किया गया है ये बताया गया है कि छुआछात की जो हमारे देश में बुराई है उसको समाप्त किया जाए दूसरा क्या है कि हमारा चाइल्ड लेबर यानी कि चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों को एजुकेशन टू राइट के तहत शिक्षा देनी चाहिए ना कि उन बच्चों से किसी भी कारखाने में किसी भी कंपनी में या किसी भी होटल आदि में काम नहीं करवाया जाएगा तीसरा क्या है कि हमारी चाइल्ड जो है गर्ल्स चाइल्ड है उसको भी हमारे समाज में लड़कियों को एजुकेशन का प्रोविजन बहुत कम था लेकिन आज के टाइम में जितनी भी हमारी कमेटियां बनी उनके तहत ये प्रोविजन रखा गया कि बालिकाओं को शिक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए बालिकाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए तो इस तरह से हमारे समाज की जितनी भी बुराइयां थी वो इन फंडामेंटल राइट्स के तहत समाप्त की गई इसके बाद क्या है कि जो हमारा जो प्रोविजन है वो है प्रो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण जो मेन जो इसकी इंपोर्टेंस है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है तो जो हमारी माइनॉरिटीज थे जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग था उनको भी शिक्षा का प्रोविजन दिया गया और हमारे संविधान के तहत जैसे ओबीसी को 15 परसेंट एस सी या हमारे जितने भी ट्राइबल एरिया थे उनमें 7.5 परसेंट जो रिजर्वेशन है वो दिया गया तो इस तरह से जो हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत ही हमें मिला है इसके बाद है हमारा बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जो हमारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे डेमोक्रेसी यानी कि हमारा जो लोकतंत्र हमारे देश में है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्यों क्योंकि लोकतंत्र के तहत हम अपनी जो सरकार बनाते हैं वो सरकार हमारे देश में शासन चलाती है और हर व्यक्ति के मानवीय विकास का वो ध्यान रखती है इसके बाद हमारा सोशल जस्टिस यानी कि जो हमारा सामाजिक न्याय फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें सोशल जस्टिस जैसे बार बार हम ये, इसी बात का जो टॉपिक हमारा चाहे वो अनुसूचित जाति है जनजाति है और किसी भी चाहे बॉयज है या गर्ल्स है सबको समान अधिकार दिया गया है सामाजिक न्याय उन्हें मिलता है अगर कोई व्यक्ति उच्च वर्ग से संबंधित है या निम्न वर्ग से संबंधित है तो सबको समान शिक्षा का अधिकार है चाहे वो गरीब गरीब तबके से लगाओ या फिर अमीर सबको एजुकेशन का अधिकार है छुआछात का किसी भी सार्वजनिक स्थान चाहे वो कुआ है तालाब है या कोई भी स्कूल है मंदिर है गुरुद्वारा है कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है तो ये हमारा क्या है कि सोशल जस्टिस पहले क्या होता था कि जैसे कुछ उच्च जातियां होती थी उनके जो मंदिर होते थे या गुरुद्वारा होता था वहां पे निमन जाति के व्यक्तियों को जाने का अधिकार नहीं था लेकिन जो हमारा राइट टू राइट जो हमारा फंडामेंटल है उसके तहत हर व्यक्ति को चाहे वो कोई भी सार्वजनिक यानी कि हमारी सरकार के द्वारा जो फंड प्राप्त कोई भी संस्था है वहां पे वो व्यक्ति जा सकता है तो इसके बाद क्या है कि जो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट हमारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास किस तरह से होता है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जैसे हमें एजुकेशन का है तो हम हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हुआ हम अपनी एजुकेशन ले सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए हम चाहे कहीं से भी लोन भी ले सकते हैं किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज और किसी भी मन, जो हमारा मदरसा है या कहीं भी जिस धर्म की जो भी शैक्षिक संस्था है वहां पर जाकर वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन ले सकता है और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय क्या है कि वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से जैसे शिक्षा प्राप्त करता है उसी तरह से वो सामाजिक रूप से भी किसी भी धर्मशाला में किसी भी गुरुद्वारे में कहीं भी जाकर वो अपना जो अधिकार है उसके तहत उस पर कुछ कानून के तहत जो दायरा है उसको फॉलो करता हुआ वो व्यक्ति अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग करते हुए वो वहां जा सकता है तो इस तरह से उसका क्या है कि पर्सनल डेवलपमेंट हुआ और सोशल डेवलपमेंट भी इसके बाद क्या है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट तो बेटा जो हमारे मनो जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारा साइकोलॉजिकल पहले ये लोगों का माइंड बना हुआ था कि एक लड़की को एजुकेशन ना दी जाए जो हमारे हमारे जो समाज में चार वर्ग थे हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य तो वो चारों वर्गों में जो उच्च वर्ग के थे क्षत्रिय क्या होते थे वो युद्ध वगैरह का कार्य करते थे ब्राह्मण हमारा शिक्षा का और धार्मिक अनुष्ठान और जो नीचे वाले वैश्य और शूद्र थे तो वो बेटा जो हमारे जो नीचे के काम होते थे चाहे नाई है धोबी है जो भी है तो तो वो वो काम काम करते थे तो काम के आधार पर हमारी जातिया क्या थी बटी हुई थी लेकिन लोगों ने क्या माना सोसाइटी में क्या माना कि उन व्यक्तियों को सिर्फ निम्न जाति का ही समझा जाने लगा और उनको जो उच्च जाति के जो अधिकार होते थे उनसे कम अधिकार हमें मिले हुए थे तो इस तरह से उनकी साइकोलॉजी ये बनी हुई थी कि निम्न जाति के व्यक्तियों को उच्च जाति के साथ बैठने में उनके साथ शिक्षा प्राप्त करने में या कहीं भी घूमने का अधिकार नहीं था तो इस तरह से इस साइकोलॉजी को यानी कि मनोविज्ञान को भी चेंज किया गया पहले क्या था कि, कि लड़कियों को क्या घर का सिर्फ चूल्हा चौका और घर के कामों के लिए ही माना जाता था लेकिन आजकल लड़कियां क्या है कि हर फील्ड में हर प्रकार की जॉब में लड़कियां उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है थर्टी थ्री परसेंट की जो रिजर्वेशन है वो रखी गई है किसी भी आईआईटी में जाओ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में और कोई भी चाहे हमारा किसी भी तरह का डिप्लोमा है या डिग्री है या हमारी हायर एजुकेशन की कोई भी स्ट्रीम है वहां पर जाकर उस लड़कियों के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है तो इस तरह से जो व्यक्तियों की जो साइकोलॉजी है मन, मनुष्य का जो मनोविज्ञान है उसको भी चेंज किया गया यानी कि जब हमें सारे अधिकार हम पढ़े लिखे हमें सारे अधिकारों के विषय में ज्ञान हुआ और हम उन अधिकारों के तहत मनुष्य की जो साइकोलॉजी है मनुष्य का जो मनोविज्ञान है उसको भी परिवर्तित करने में हमारे मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है उससे पहले हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या राइट्स हैं तो इस तरह से जो वोमेन इंपावरमेंट है यानी कि महिला सशक्तिकरण वो भी जागरूक हुआ और महिलाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य भी किए गए बालिकाओं के लिए शिक्षा भी दी गई छुआछात को भी खत्म किया गया और जाति व्यवस्था जो हमारे देश में इतनी बुरी तरह फैली हुई थी वो भी कम हुई तो क्यों क्योंकि मनुष्य का माइंड चेंज हुआ उनकी साइकोलॉजी चेंज हुई कि जो हमें अधिकार है उसके तहत हम सब बराबर हैं एक काम के आधार पर हमारी जातियां बटी हुई हैं तो इस तरह से हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते तो इस तरह से हमारा जब हमारा मेंटल लेवल डेवलपमेंट होता है तो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है क्योंकि तो जब हमारी मानसिकता ही नहीं बदलेगी हमारा मेंटल लेवल ही नहीं चेंज होगा तो हम कोई विकास नहीं कर पाएंगे तो हमारा मानसिक विकास हुआ मानसिक विकास के साथ-साथ सबसे पहले हमारा जब दिमाग हमारा माइंड चेंज होता है तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ हमारी फैमिली का फिर हमारी सोसाइटी का और सोसाइटी के साथ साथ जो हमारी कंट्री है उसका भी डेवलपमेंट होता है तो इस तरह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उन्होंने केवल हमें समा समानता की धर्म की शिक्षा की सामाजिक और व्यक्तिगत ये ही नहीं हमारा विकास किया बल्कि उन्होंने हमें एक तरह से हमारी मानसिकता को भी परिवर्तित करने में बहुत अधिक योगदान दिया तो जैसे जैसे मानसिकता व्यक्ति की चेंज होती है उसी के तहत उस व्यक्ति का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यक्तिगत और हर प्रकार का विकास होता है तो इस तरह से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं उन उन्होंने हम हमारे देश के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया तो बेटे आज का विषय सिर्फ हमारा यही है कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर उसका स्कोप और उसकी विशेषताएं अब जो कल का जो मेन टॉपिक है वो है